जी सलाम वालेकुम। अपने बच्चे वालेकुम जब सलाम सर। मीटिंग में जब आते हैं आप आते साथ अपने ये इसमें मार्क कर लिया करें अटेंडेंस चैट बॉक्स में। अच्छा यार, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे राउटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ में स्विचिंग और कुछ डिवाइसेस को देखा था, जैसे रिपीटर, एम्पलीफायर, बूस्टर, एक्टिव हब, पैसिव हब, और सिमिलरली स्विच को देखा था, गेटवे को देखा था, राउटर को देखा था। सो ये डिवाइसेस किस लेयर पे काम करती हैं, इनका रोल क्या है और इनकी इंटेलिजेंसी पावर क्या है, कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो इंटेलिजेंट है और कौन सी नॉन इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं, और इन कौन सी डिवाइसेस फर्मवेयर या सॉफ्टवेयर बेस्ड या ऑपरेटिंग सिस्टम बेस पे काम करती हैं और कौन सी जो विदाउट सॉफ्टवेयर काम करती हैं। सो ये हमारी जो डिस्कशन थी ये लास्ट क्लास में हुई थी। सो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग उसको फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट फॉरवर्डिंग के ऊपर। हमारे पास जो डाटा फॉरवर्डिंग होती है या मैसेज फॉरवर्डिंग होती है वो किस तरह से होती है, हम लोग डाटा कम्युनिकेट कैसे करते हैं। क्लियर? सो अगर इस चीज़ को देखें तो हमारे पास ये करंट जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इस पिक्चर के अंदर हम लोग इसी चीज़ पे फोकस करेंगे। हमारे पास आज का जो टॉपिक है ये स्विचिंग एंड फॉरवर्डिंग के ऊपर है। ये बात मैं पहले भी रिपीट बात कर चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि स्विचिंग जो है, स्विचिंग में आपने कुछ कैटेगरी पहले डिस्कस की हुई है, आपको याद होगा हमने एक चैप्टर 8 DCN के अंदर पढ़ा था बहरोज़ फ्रोज़न का, और उस चैप्टर के अंदर मैंने आपको तीन कैटेगरी पढ़ाई थी, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग मैंने टेलीफोनिक सर्किट के लिए आपको बताई थी, मैसेज स्विच पैकेट स्विचिंग के अंदर हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी, डाटाग्राम स्विचिंग और वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर स्विचिंग, VCI स्विचिंग। अगर आपको याद हो VCI स्विचिंग के अंदर मैंने VLAN का नाम लिया था और VPN का नाम लिया था, जबकि जो डाटाग्राम स्विचिंग थी इसको हम रेगुलर इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं। रेगुलर इंटरनेट ट्रैफिक जितनी भी हमारी मूव कर रही है वो सारी इसी स्विचिंग की टेक्निक के बिहा पे हम काम करते हैं। इवन हमारे पास वैन नेटवर्क जितना भी है वो सारा डाटाग्राम स्विचिंग बेस पे है। मैसेज स्विचिंग आपको पता है हम एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन चल रही होती है, आपके पास चैट बॉक्स फॉर्मेट में या फिर मैसेज ट्रांसमिशन है या इनबॉक्स ट्रांसमिशन है, वो सारी की सारी कन्वर्सेशन हमारे हम इसी बेस पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सो अगर हम इन चीज़ों के ऊपर बेस करें और डिस्कशन में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें स्विचिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, स्विचिंग हम करते क्यों हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके चार्जेस क्या हैं, स्विच हमारे पास स्ट्रक्चर वाइज कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर ये इनिशियली इसने थोड़ी सी बातें की हैं। पहली बात ये मोटिवेशनल कर रहा है जी, मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है जी स्विच हमारे पास एक सिंपल वन लिंक हमें एलोकेट करता है, जबकि इससे पहले हमारे पास जो बाकी डिवाइसेस थी उसके अंदर हमारे पास वन डायरेक्ट लिंक मिलता था लेकिन वो डेडिकेटेड नहीं होता था, वो शेयर्ड होता था। सो स्विच के अंदर हमारा हर इंटरफेस डेडिकेटेड हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे VLAN है, VPN है, या हम लोग IP कॉन्फ़िगर करके डेडिकेटेड पाथ या उसको स्टैटिक पाथ शो कर सकते हैं। तो हमारे पास ये इसकी एक मोटिवेशन उसने डिक्लेयर की है। दूसरी इसने अप्रोचेस की बात की है कि हम लोग यहाँ पे जब भी डेडिकेटेड पाथ के ऊपर इसको यूज़ करती हैं तो इसका हमें फ़ायदा ये है कि हम नेटवर्क इससे एक्सटेंड कर सकते हैं, हमें हर उस सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का बेनिफिट होता है जो फर्दर फ्यूचर यूज़ के लिए एक्सटेंडेड हो, एक्सटेंडेबल हो। जैसे हम लोग कोई हार्ड सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि वो सॉफ्टवेयर फ्यूचर में हम लोग उसकी इनकॉर्पोरेशन कर सकें, उसके अंदर एक्सीडमेंट कर सकें, इंक्रीमेंट कर सकें, एनहांसमेंट कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पे भी कह सकते हो कि मेरे पास ये जो स्विच है, स्विच बेस पे जो भी नेटवर्क आपने कॉन्फ़िगर किया होगा उसको फर्दर आप इंक्रीज कर सकते हो, फर्दर उसको एनहांस कर सकते हो, उसके अंदर इतनी पोर्ट्स अवेलेबल हैं कि हम उसके आगे फर्दर जो है वो एक और स्विच लगा सकते हैं, हब लगा सकते हैं, ब्रिज लगा सकते हैं, कोई भी अदर डिवाइस लगा के उस नेटवर्क को एक्सीड कर सकती हैं। इसमें मेजर चैलेंजेस क्या है, हमारे पास एड्रेसिंग का मेजर चैलेंज है इसमें। हम लोग इसमें मैक बेस पे डाटा फॉरवर्ड करते हैं, मैक टेबल ये अपने पास मेंटेन करता है, सो उसी मैक टेबल को यूज़ करते हुए हम डाटा को यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और उसके लिए हमें कोई ना कोई एल्गोरिज्म यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। इसकी सिंपल एग्जांपल अगर आप रियल नेटवर्क की देखें तो उसके अंदर आपके पास मैक टेबल, हमने ये बुक के अंदर भी गो थ्रू किए हैं थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली भी हमने देखे हैं कि स्विच के अंदर हमारे पास ये सिंपल
एल्गोरिथम कोई भी यूज करते हुए हम लोग इसके टेबल बना लेते हैं, और उस टेबल के अंदर पोर्ट एड्रेस, फिजिकल एड्रेस और स्पेसिफिक एड्रेस होती हैं जिनके बेस पे हमारा डाटा कम्युनिकेट हो रहा होता है। नेक्स्ट, ये डिटेल की बात कर रहा है कि अगर हम स्विच का डिज़ाइन या उसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारे पास रेगुलर जो एक स्विच होता है उसका जो डिज़ाइन है वो मेरे पास नॉर्मली बुलियन गेट्स के ऊपर बिल्ड हुआ होता है, ये DLD लॉजिक्स के ऊपर बिल्ड हुआ होता है, और ये हमारे पास सिंपल उन्हीं ये जो हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम है उसी को यूज़ करते हुए डाटा बिट स्ट्रीम को एक एंड से दूसरी एंड पे, एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे कम्युनिकेट करवा रहा होता है। सो नेक्स्ट, इसने हेट्रोजेनिटी नेटवर्क की बात की है। अगर हम लोग रेगुलर कोई भी रियल लाइफ नेटवर्क देखें उसके अंदर मल्टीपल फिजिकल नेटवर्क आपको नजर आएंगे जो कि स्विच करते हैं, स्विचिंग का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। जैसे हम डेली लाइफ में अगर PTCL हायरार्की देख लें तो जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो स्विचिंग परफॉर्म कर रही हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ऑफिसेज हैं सारे स्विचिंग परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर हम GSM नेटवर्क को देख लें, ये जितनी भी AP साइट लगी हुई हैं हर AP साइट स्विचिंग का काम परफॉर्म कर रही है, और जितनी भी हमारे पास हब साइट्स हैं, रेडियो एक्सेस नेटवर्क जितना भी है वो सारे का सारा स्विचिंग का स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है। दूसरी बात करता है कि हमारे पास स्विचिंग स्ट्रेटजी अगर हमारे पास बेटर होगी तो उससे हम दो चीज़ें अचीव कर सकते हैं। एक तो ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं, दूसरा उसकी जियोग्राफिकल बाउंड्री जो है वो उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास जियोग्राफिकल बाउंड्री बड़ी होती जाए तो हम लोग उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, लाइक 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक मूव कर सकते हैं, और नंबर ऑफ़ यूज़र अगर 100 हैं तो 1000 तक लेके जा सकते हैं। इट मीन्स कि मेरे पास इसको स्केल अप स्केल डाउन की आप अगर बात करें तो आपकी स्केलेबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है यूजिंग स्विच, और ये स्विच आपके किसी भी नेटवर्क के अंदर आपके लिए ये बेनिफिशियल है या यहाँ पे हेल्पफुल है जो कि इस तरह के प्रोसेस आपको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अगर इसकी बेसिक देखें तो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग दो तीन फैक्टर के ऊपर बात करते हैं, जैसे लास्ट क्लास में भी कर रहे थे, हम लोग परफॉर्मेंस को देखते हैं नेटवर्क की, क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात करते हैं, हम लोग वहाँ पे कंजेशन कंट्रोल की बात करती हैं, कंटेंशन कंट्रोल की बात करती हैं, सीक्वेंस कंट्रोल की बात करती हैं, एरर कंट्रोल की बात करती हैं, फ्लो कंट्रोल की बात करती हैं। ये जितनी भी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारे नेटवर्क की क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव करती हैं या हमारे नेटवर्क की एफिशिएंसी को इन्हांस करती हैं, या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ कि मेरे नेटवर्क की यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं। तो अगर ये चीज़ें हमारी बेसिक जो फैक्टर्स हैं ये इम्प्रूव हो जाएं, हम एरर फ्री डाटा कम्युनिकेट करें, हम फ्लो को कंट्रोल कर लें, कंजेशन को कंट्रोल कर लें, कंटेंशन को कंट्रोल कर लें, और स्विच अगर ये फैक्टर सारे के सारे डाटा लिंक लेयर के ऊपर रिजॉल्व कर दे तो हमारे पास एरर फ्री डाटा और हाई यूटिलाइजेशन के साथ एफिशिएंट हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ हम किसी भी नेटवर्क को ऑपरेट कर सकते हैं और फास्टेस्ट कम्युनिकेट करवा सकते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट, इसने यही जो दो बातें मैंने आपको प्रीवियसली डिफाइन की हैं, लिमिटेशन जो हैं वो लिमिटेशन पे बात की है। हमारे पास अगर कोई भी एक लार्ज जियोग्राफिकल बाउंड्री वाला नेटवर्क है तो हमारे पास उसमें दो ही फैक्टर होते हैं जो लिमिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, कि अगर मैं एक डायरेक्ट लिंक पे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो उस डायरेक्ट लिंक को मैं मल्टी लिंक के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ यूजिंग स्विच, और मल्टी लिंक में जब भी कन्वर्ट होगा इट मीन्स के एक इथरनेट से मल्टीपल इथरनेट जनरेट होंगे, जब मल्टीपल इंटरफेस आएंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ यूज़र भी इंक्रीज़ कर जाएंगे, जब नंबर ऑफ़ यूज़र होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे होस्ट इंक्रीज़ होंगी, जब होस्ट इंक्रीज़ होंगी तो डेफिनेटली उनकी लेंथ भी बढ़ेगी, जियोग्राफिकल बाउंड्री भी इंक्रीज़ होगी। तो ये दोनों चीज़ें बेस करती हैं हमारे पास स्विच के ऊपर। अगर स्विच हमारे पास इसका हार्डवेयर या इसकी क्वालिटी बेटर है, इसका ब्रांड अच्छा है, तो डेफिनेटली हम लोग कहेंगे कि वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा होगा और यहाँ पर हमारे पास फास्टेस्ट और लॉन्गेस्ट कम्युनिकेशन चल रही होगी। अब इसमें इशू ये आता है कि यूज़र तो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लेता है लेकिन हमारा जो नेटवर्क है वो डायरेक्ट नहीं रहता, क्योंकि पहले उसकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक सिंगल लिंक के ऊपर हो रही होती है, लाइक उसको हम डेडिकेटेड लिंक कह देती हैं, लेकिन जब स्विच इंटरमीडिएट डिवाइस आ जाता है तो हम उसको इनडायरेक्ट लिंक कंसिडर करते हैं, उसको डायरेक्ट लिंक नहीं कहते, वो डेडिकेटेड पाथ नहीं रहता बल्कि शेयर्ड पाथ बन जाता है। स्विच को यूज़ करते हुए हम उस एक चैनल को, उस एक बैंड को हम लोग मल्टीपल नंबर ऑफ होस्ट के अंदर या यूज़र के अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो हम सिंपली ये कहते हैं कि फिर वो डायरेक्ट लिंक कन्वर्ट हो जाता है इनडायरेक्ट लिंक के अंदर। नेक्स्ट, इसने स्विचिंग टेक्निक्स की बात की है। अगर हम डेली लाइफ में यहाँ पे पैकेट स्विचेस की बात करें तो मेरे पास डेली लाइफ के अंदर हम लोग जहाँ कहीं पर भी कम्युनिकेट करते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर या टोपोलॉजी फॉर्मेट के अंदर या कोई भी लेआउट देखें, तो बच्चे आपके पास दो तरह की डिग्रीज होती हैं,
ये दो डिग्रीज आपके पास डेली लाइफ में क्या कंसिडर करती हैं कि कितनी नंबर ऑफ लाइन से डाटा आ रहा है और कितनी नंबर ऑफ लाइन पे डाटा जा रहा है। ये सिमिलर ऐसे ही है जैसे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में आपने ग्राफ थ्योरी पढ़ी थी। ग्राफ थ्योरी के अंदर भी इन डिग्री और आउट डिग्री का कॉन्सेप्ट था। इन डिग्री क्या होती थी, ग्राफ के जिन एजेस से डाटा आ रहा होता था उसको हम इन डिग्री कहते थे और जिन एजेस से डाटा आउट हो रहा होता था उसको हम आउट डिग्री कहते थे। पॉइंट क्लियर। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास इस टोपोलॉजी के अंदर एक स्विच कनेक्टेड है, मिडल डिवाइस जिसने स्टार क्रिएट किया हुआ है, और इस स्टार के अंदर कुछ ऐसी डिवाइसेज हैं जो डाटा इन कर रही हैं अदर इन्वायरमेंट से लेके आ रही हैं, और कुछ ऐसी डिवाइसेज हैं जो इस स्विच से डाटा आउट कर रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डाटा इनपुट के लिए मेरे पास तीन इंटरफेसेज हैं और ऐसे ही डाटा आउट के लिए तीन इंटरफेसेज हैं। ये एरो आपको डिक्लेयर कर रहे हैं। तो मैं अगर इसकी डिग्री की बात करूँ तो इन डिग्री इसकी क्या होगी, 3, और आउट डिग्री इसकी क्या होगी, 3, और टोटल डिग्री अगर मैं चेक करूं तो टोटल डिग्री इसकी क्या होगी, 6। ये बात समझ में आती है। सो पैकेट स्विच कोई भी अगर आप देखें उसके इंटरफेसेस को देखते हुए अगर हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चल रही है हम उसकी इन डिग्री और आउट डिग्री दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर। ये एक पैकेट स्विच के अंदर उसने सिंपल एग्जाम्पल दी हुई है। नेक्स्ट उसने स्विच का स्ट्रक्चर दिखाया कि हमारे पास अगर हम लोग एक स्टार का स्ट्रक्चर देखें, मैं यहाँ पे एक राउटिंग नेटवर्क ऑपरेट कर रहा हूँ और इस राउटिंग नेटवर्क के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास राउटर एज अ स्विच बिहेव कर रहा होता है। कैसे, राउटर जो है वो डेडिकेटेड पाथ तो एलोकेट करता है लेकिन वो एक लिंक से दूसरे लिंक के ऊपर डाटा भी तो फॉरवर्ड करता है। इट मीन्स के एलोकेशन के साथ साथ फॉरवर्डिंग भी करता है। जब डाटा फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है तो इट मीन्स के फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग किस में यूज़ करते हैं, स्विच के अंदर। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इस राउटर के साथ इस वक्त 5 इंटरफेस कनेक्टेड है, मीन्स के 5 पाथ कनेक्टेड है। अगर 5 पाथ हैं, 2 पे क्लाइंट है, 3 पे राउटर कनेक्टेड है, तो मैं अगर देखूं तो ये राउटर एज अ स्विच वो 5 इंटरफेसेस कनेक्ट किए हुए है। इट मीन्स कि एक स्टार बनाए हुए है। इस स्टार के अंदर मैं यूं कह सकता हूं कि मेरे पास जो नोड्स हैं इन नोड में से अब डिपेंड करता है कि राउटर उसमें से कौन से पाथ सेलेक्ट करता है डाटा कम्युनिकेट करने के लिए। इन 5 में से, 5 में से इन केस इसने 4 पाथ सेलेक्ट किए हुए हैं, एक पे येलो स्ट्रीम कम्युनिकेट कर रहा है और एक पे रेड स्ट्रीम कम्युनिकेट कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि ये राउटर के पास स्टार फॉर्मेट में 5 पाथ थे जो स्विच ने डाटा फॉरवर्डिंग के लिए इसे एलोकेट किए, और राउटर ने उनमें से कोई 2 पाथ सेलेक्ट कर लिए जिनके लिए 4 इंटरफेस रिजर्व हो गए डाटा कम्युनिकेट करने के लिए। इट मीन्स के स्विच जो इंटरफेस एलोकेट करता है फॉरवर्डिंग के लिए, राउटर उन्हीं इंटरफेस में से सिलेक्शन करता है पाथ डेडिकेशन के लिए या डेडिकेटेड पाथ सेलेक्ट करता है डाटा कम्युनिकेशन के लिए। पॉइंट क्लियर। सो इट मीन्स के राउटर की इंटेलिजेंसी पावर इंक्रीज होती है स्विच के बिहाफ पे। अगर स्विच इसको ग्राउंड इंटरफेस ना दे तो आपके पास राउटर कोई भी पाथ सिलेक्शन का प्रोसेस परफॉर्म ना कर सके। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट इसने फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। हमारे पास डाटा फॉरवर्डिंग कैसे होती है, हम लोग जब भी पैकेट फॉर्मेट में डाटा रिसीव करते हैं किसी एक नोड से, तो मेरे पास फर्दर जो स्विच लगा हुआ है, स्विच क्या करेगा, जितने भी इंटरफेस उसके साथ कनेक्टेड है वो उन सारों के ऊपर उसको ट्रांसमिट कर देगा। जब उन सभी पे ट्रांसमिट करेगा तो उनमें से हर रिसीवर जो वो चेक करेगा कि आया कि मेरा एड्रेस इसके अंदर अवेलेबल है। अगर तो उसका एड्रेस अवेलेबल होगा तो वो डाटा कैप्चर कर लेगा, अगर उसका एड्रेस अवेलेबल नहीं होगा तो वो डाटा रिजेक्ट कर देगा। जैसे सिमुलेटर के अंदर या इमुलेटर में आप लोगों ने पैकेट ट्रेसर में देखा है कि हम लोग जब स्विच के थ्रू ब्रॉडकास्ट करते हैं तो स्विच जब ब्रॉडकास्टिंग कर रहा होता है बाकी होस्ट सारे के सारे उसको क्रॉस कर रहे होते हैं रेड, और कोई एक जिसका एड्रेस होता है वो उसको यस कर रहा होता है या चेक कर रहा होता है या डाटा रिट्रीव कर रहा होता है, पैकेट की वहाँ तक ट्रांसमिशन भी चल रही होती है। हम सिंपली कहते हैं कि यहाँ तक एक्यूरेट हमारी कन्वर्सेशन या ट्रांसमिशन चल रही है, बाकी अदर जितनी भी कन्वर्सेशन है या ट्रांसमिशन है वो नहीं हुई। उसकी रीज़न क्या है, सिंपल कि मेरे पास वहाँ पे उसका एड्रेस या फिज़िकल एड्रेस हमने उसका ऐड ही नहीं किया या उसका जो रूट है वो हमने एलोकेट नहीं किया। सो फॉरवर्डिंग के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट राउटिंग का आता है। राउटिंग के अंदर हम दूसरी बात ये करती हैं कि हमारे पास जब भी डाटा कम्युनिकेट करते हैं, डाटा कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे रूट एलोकेट होती हैं। इन रूट एलोकेशन के लिए हम एक छोटी सी बात करते हैं जी, राउटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जितने भी यूनिकास्टिंग हो रही होती है, लाइक मैं कहता हूँ जी अपर राउटर से अगर डाटा स्ट्रीम आ रही है वो किसी एक यूज़र, ये जो यहाँ पे आपके पास शेडेड 2 कलर नज़र आ रहे हैं आपको मेहरून, इनमें से किसी एक कलर पे मूव करना चाह रहा है डाटा, तो ये दोनों कलर बेसिकली 2 क्लाइंट हैं। तो हमारे पास
फर्स्ट डाटा फार्मिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि मेरे पास किस पाथ के ऊपर डाटा फॉरवर्ड होगा। वो जो पाथ एलोकेशन का कॉन्सेप्ट है वो किसने परफॉर्म करना होता है? राउटर ने। पाथ एलोकेट करना, उसकी लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन करना, उस लॉजिकल पाथ की कनेक्टिविटी करना एंड टू एंड, और एंड टू एंड फिर डाटा को फॉरवर्ड करना, ये राउटर का बिहेव होता है। राउटर जो प्रोसेस परफॉर्म करता है उसके अंदर ये उसके कह लें कि रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स की बेस पे वो डाटा कम्युनिकेट कर रहा होता है। अब राउटर जब कम्युनिकेट करता है डाटा, तो स्विच डाटा फॉरवर्ड करते हुए वहाँ पे दो इशू फेस करता है। वो दो इशू क्या क्या हैं? ये डाटा लिंक लेयर पे इसके दो मेजर इशू या दो कॉज फेस होती हैं। एक को हम कहते हैं कंटेंशन, दूसरे को कहते हैं कंजेशन। अच्छा, कंजेशन क्या है और कंटेंशन क्या है? कंजेशन आप सिंपली कहते हो कि मेरे पास, मैंने 5 नंबर ऑफ लाइन से, आप क्या अपने घर की बात कर लें कि आपने अपने घर के 5 डिवाइस यूज़ कर रहे थे और 5 डिवाइसेस से आपने डाटा कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया, सेंड करना शुरू कर दिया, और आगे जो बैक एंड पे लिंक लगा हुआ था ना जहाँ से डाटा जाना था, वो लिंक इतना छोटा था कि वो 5 यूज़र की कैपेसिटी को हैंडल ही नहीं कर पाया। उसका जो बफर था बैंडविड्थ कम्युनिकेट करने के लिए, वो बफर फुल हो गया, या वहाँ पे स्टैक लगा था वो फुल हो गया, या जो क्यू लगी हुई थी वो क्यू फुल हो गई। तो ओवरफ्लो होने की वजह से उसने कहा कि भाई मैं यहाँ पे अब डाटा जो है वो स्लो प्रोसेस करूँगा, और आपको जो डाटा रिट्रीव हो रहा है वो भी स्लोली रिट्रीव होगा, जो प्रोसेस हो रहा है वो भी स्लो होगा, जो ट्रांसमिट हो रहा है वो भी स्लो होगा। तो हम सिंपली कह रही होती हैं कि यार नेटवर्क बहुत स्लो है। एक्चुअल में नेटवर्क स्लो नहीं है, जो हमारा लोकल बैंड है वो कंजेशन, वहाँ पे कंजेशन आ गई है। वो कंजेशन किस वजह से आई है कि हमने इतनी ज़्यादा स्ट्रीम वहाँ पे डाल दी है कि वो स्ट्रीम हमारी बैंड जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई। उसको वो डाटा कम्युनिकेट करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड था, तो उसने सिंपली कह दिया कि भाई मेरे पास जो मैक्सिमम स्ट्रीम थी वो मैंने यूटिलाइज कर ली है, आप कुछ वेट करें या कुछ टाइम इंटरवल यहाँ पे कंज्यूम करें या वेटिंग मोड पे रहें, जैसे ही मेरे पास स्ट्रीम फ्री होगी मैं देन आपको टाइम एलोकेट करूँगी और डाटा कम्युनिकेट करूँगी। ये जो फैक्टर हमारे पास एक चैनल के अंदर आता है या बैंडविड्थ में आता है, इसको, इस फैक्टर को हम नाम देते हैं कंजेशन। दूसरा फैक्टर होता है हमारे पास कंटेंशन। कंटेंशन कब होता है? जब आपके कैपेसिटी फुल हो जाए। हमने डाटा आउट किया, मेरे लोकल पीसी से जो डाटा आउट हो रहा है वो डाटा आउट होने की मेरी जो कैपेसिटी है वो फुल हो गई है। मींस के मेरी लोकल जो कम्युनिकेशन चल रही थी वो 1 MB की इनकेस है या 100 MB/s की है, तो वो 100 MB/s का चैनल इनकेस फुल हो गया, तो साथ ही वो कहेगा कि भाईजान मेरे पास या तो अपनी बैंडविड्थ को इनक्रीज़ करो, या फिर अगर बैंडविड्थ इंक्रीज नहीं कर सकते तो अपना डाटा वापस लो, मैं इस इतनी कैपेसिटी का डाटा आगे पास नहीं करूंगा। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कंटेंशन, और ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि डाटा कम्युनिकेट नहीं होगा। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं नीचे जो दी हुई है यहाँ पे इस तरह कह सकता हूँ कि 3 यूज़र हैं जो 3 इंटरफेस यूजिंग स्विच डाटा सेंड कर रही हैं। अब एक तो फैक्टर ये है कि तीनों का डाटा रिट्रीव करे, और जैसे ही ये स्विच आउट करने लगे अदर इन्वायरमेंट पे, अदर नेटवर्क के ऊपर, तो जो बैकबोन बैंडविड्थ है जहाँ पे ये डॉटेड रेड लाइन है, यहाँ पे आपके पास कंजेशन और कंटेंशन अक्कर होती है। कंटेंशन कब अक्कर होगी? अगर इसकी इस चैनल की कैपेसिटी कम हो, चैनल है 1 MB का, आपने डाटा भेज दिया 10 MB का, तो वो कहेगा भाई मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, सबर करो, क्लियर, कंटेंशन आ जाएगी। कंजेशन कब होगी? कि मेरे पास डाटा आए जा रहा है और यहाँ पे जो क्यू है वो क्यू भर गई है, यहाँ पे जो बफर लगा हुआ है वो भर गया है, जो स्टैक लगा हुआ है वो भर गया है, मैंने कहा डाटा ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारे पास क्या होगा? डाटा कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। पॉइंट लिए, हम कहेंगे कि हमारे पास कंजेशन फेस हो रही है। जैसे डेली लाइफ में ट्रैफिक आपके पास एक सिग्नल के ऊपर हाई हो जाए तो हम कहते हैं यार कंजस्टेड ट्रैफिक है, ये कंजस्टेड रूट है, हम इसके ऊपर ट्रांसमिट नहीं करेंगे। या गूगल मैप से आप लोग अगर वो सेलेक्ट करें लोकेशन, तो आपको वहाँ पे भी वो येलो हाईलाइट करके दे रहा होता है यार ये एरिया जो है ना ये कंजस्टेड है, यहाँ पे ट्रैफिक रेट हाई होता है, और ये एरिया आपके पास ये रिंग रोड और फास्ट है और इसके ऊपर ट्रैफिक रेट कम है, आप इसको यूज़ करें। तो आपको ये कंजेशन सिंपल उसी टर्म में यहाँ पे आप नेटवर्क के अंदर कॉल कर सकते हो, क्लियर। इसके बाद चैलेंजेस की बात कर रहे हैं हम लोग, जो डेली लाइफ में पैकेट स्विचिंग के अंदर चैलेंजेस फेस करते हैं फॉरवर्डिंग के लिए। सो पहली बात करते हैं जी, मेरे पास स्विच जो है वो मल्टीपल आउटपुट पोर्ट्स रखता है फॉरवर्डिंग के लिए। अगर एक एफिशिएंट स्विच को मैं देखूं
तो उस एफिशिएंट स्विच के अंदर फॉरवर्डिंग के लिए मेरे पास मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं, उनमें से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी आउटपुट पोर्ट में से मैं डाटा सेंड करूँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल जो आउटपुट के ऊपर पोर्ट्स के ऊपर मल्टीपल इंटरफेस पड़े हुए हैं, उन इंटरफेस में से हम देखते हैं कि किस इंटरफेस पर मैंने डाटा सेंड करना है। जिस इंटरफेस पर भेजना होता है वही पोर्ट हम लोग डिसाइड करके उस पर डाटा सेंड करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे राउटिंग का होता है। ये हमारे पास राउटिंग यहाँ पे मल्टीपल हम लोग यूज़ करते हैं, डायनेमिक भी होती है स्टैटिक भी होती है। हम लोग स्टैटिक राउटिंग वहाँ पे परफॉर्म करते हैं जहाँ पे डेडिकेटेड पाथ यूज़ करने हैं, क्लियर। और डायनेमिक हमें शेयरिंग का कॉन्सेप्ट देती है। शेयरिंग के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र या नंबर ऑफ़ होस्ट या नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो हैं वो मेरे पास मल्टीपल होती हैं, उनका पब्लिक आईपी जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन उनकी जो बैंडविड्थ है वो शेयर की हुई होती है। जैसे आप डेली लाइफ में जो भी नेटवर्क यूज़ करते हो ये सारे के सारे डायनेमिक नेटवर्क होता है। और अगर आप घर के कैमरे लगाने हो या घर के अंदर आपने कोई ब्रॉडकास्टिंग करनी हो तो आप कहते हो मुझे डेडिकेटेड नेटवर्क चाहिए, तो वहाँ पे आपका स्टैटिक नेटवर्क होगा और वो स्टैटिक रूट परफॉर्म कर रहा होगा। पॉइंट ये। अब दूसरा इशू क्या है, स्टैटिक नेटवर्क के अंदर कंजेशन और कंटेंशन आने के चांसेस कम होते हैं, वीलैन के अंदर चांसेस कम होते हैं, वीपीएन के अंदर चांसेस कम होते हैं, जबकि शेयर नेटवर्क के अंदर डायनेमिक नेटवर्क के अंदर कंटेंशन और कंजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कब? मेजोरिटी आपके नेटवर्क शेयर नेटवर्क के अंदर पीक आवर में नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ जाती हैं, ट्रैफिक बढ़ जाती है, तो वहाँ पर कंजेशन भी बढ़ती है, कंटेंशन भी बढ़ती है, जिससे आपकी ब्राउजिंग आपका नेटवर्क स्लो हो जाता है। पॉइंट क्लियर। सो इससे बचने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम स्टैटिक पाथ यूज़ करें। नेक्स्ट इसने लेयर का कॉन्सेप्ट दिया है। लेयर के अंदर अगर हम देखें तो मेरे पास जो लास्ट थ्री लेयर्स हैं ये तो आपको पता है टोटली नेटवर्क बेस्ड हैं, नेटवर्क डाटा लिंक और फिजिकल, तीनों लेयर भी हम लोग नेटवर्क बेस पे यूज़ करती हैं, होप टू होप कम्युनिकेट करती हैं। और इससे अपर जो लेयर है वो होस्ट बेस हैं, ये ओएसआई मॉडल है। ओएसआई मॉडल के अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर में भी हम लोग कर्नल को यूज़ कर रहे होते हैं और वो डाटा ट्रांसमिशन के लिए प्रोसेस करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। और फ्रंट तीन लेयर जो हैं, फ्रंट एंड लेयर इसको कहा जाता है, ये एप्लीकेशन लेयर इसको कहा जाता है, ये क्लाइंट के लिए रिजर्व है, ये लोकल क्लाइंट या होस्ट साइड पे हमारे पास कम्युनिकेट कर रही होती हैं। होस्ट जितने भी हैं, यूज़र जितने भी हैं, क्लाइंट जितने भी हैं, वो इन तीनों लेयर के ऊपर डाटा कम्युनिकेट करते हैं, एप्लीकेशन बेस, प्रेजेंटेशन और सेशन बेस, ये तीनों काम हमारे लोकल कंप्यूटर के अंदर हो रहे होते हैं, लोकल एप्लीकेशन के अंदर, जिस तरह की भी आप एप्लीकेशन कॉल कर रहे हैं। इसके बाद स्केलेबल नेटवर्क की बात कर रहा है। स्केलेबिलिटी मैंने आपको पहले बताई है कि हम लोग स्विच को यूज़ करते हुए स्केलेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। इंक्रीज मेजर जो बेनिफिट है इसका वो इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। इंक्रीज करने का फ़ायदा क्या है कि आपके पास एक नेटवर्क बिछा हुआ है, हमारे पास वहाँ पे अगर एक एस टी एस वायर कनेक्टेड है तो हम उसके ऊपर टी ए ट्विस्टर पेयर केबल्स यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। अगर मेरे पास एक गीगा इथरनेट आ रही है तो मैं उसके ऊपर फास्ट इथरनेट फर्दर यूज़ कर सकता हूँ, जितनी मर्जी एक्सटेंड कर लूँ। और सिमिलरली अगर सीरियल आ रही है तो मैं गीगा इथरनेट उसके ऊपर कॉल कर सकता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, हम लोग उसके ऊपर नंबर ऑफ होस्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बैंडविड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम वहाँ पे लेटेंसी को मिनिमाइज कर सकती हैं। हाँ, अगर लेटेंसी को इंक्रीज़ करना हो तो हम एरिया जियोग्राफिकल बाउंड्री को इंक्रीज़ कर देते हैं। जियोग्राफिकल बाउंड्री बढ़ने से हमारे पास डिले तो थोड़ा सा बढ़ता है, हम उसको टॉलरेट करते हैं, लेकिन क्या है, एरिया इंक्रीज हो जाता है, हम लॉन्ग रूट तक, लॉन्ग रेंज तक डाटा कम्युनिकेट करते हैं। तो इसके अंदर हमें ये एडवांटेज होने की वजह से हम नेटवर्क को स्केलेबल करने के लिए इस डिवाइस स्विच को लॉन्गेस्ट पाथ के ऊपर, लॉन्गेस्ट रूट के ऊपर यूटिलाइज करते हैं या कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है पैकेट फॉरवर्डिंग एनालॉजी। पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए हमें जो यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए जो मेथड या टेक्निक है, आप लोगों ने इन केस कम्युनिकेट करना है, पहले तो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको डिसीजन प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो यहाँ पे रेड हाईलाइटेड है, डिसीजन प्रोसेस है इंटरसेक्शन। हमारे पास स्विच या राउटर आपको पता है डिसीजन प्रोसेस के लिए यूज होता है। डिसीजन कैसे करता है आपको पता है, इसके अंदर हमने स्पैनी ट्री या डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम यूज़ किए होती हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज़ किया होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज़ किया होता है, या प्रिम क्रस्कल एस एच कुछ ना कुछ एल्गोरिथम होता है जो बैकएंड पे मैथमेटिकली रन हो रहा होता है, और प्रैक्टिकली वो सिमुलेटर को यूज़ करते हुए या एल्गोरिथम की बेस पे वो कोई ना कोई रिजल्ट आइडेंटिटी दे रहा होता है, और उन रिजल्ट के बिहाव पे हमारा डाटा एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट तक कम्युनिकेट कर रहा होता है या यूज़ हो रहा होता है। अब अगर यहाँ पे देखें तो वो जो डिसीजन प्रोसेस हो रही हैं राउटर या स्विच के अंदर, वो डिसीजन प्रोसेस किस बिहाफ पे हो रही हैं, एल्गोरिथम बिहाफ पे जो मैथमेटिकली रन हो रहा है। अब वो एल्गोरिथम यहाँ पे चलाने के लिए हम लोग कहते हैं कि वो हमें दो तीन चीज़ें बताता है।
एक तो हमें कहता है कि मैं आपको वो रूट एलोकेट करूंगा जो फास्टेस्ट होगा, दूसरा वो कहता है कि इस रूट को फास्टेस्ट इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि इसके ऊपर डिले कम होगा, अगर डिले कम होगा तो तीसरी बात कहता है इसके ऊपर कंटेंशन और कंजेशन नहीं होगी, अगर कंटेंशन और कंजेशन नहीं होगी तो फिर आपको एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस तक, चौथी चीज़ वो ये भी बताता है कि आपके पास पाथ ये है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है और इसी पाथ को आपने फॉलो करना है, इसके अलावा अदर पाथ के ऊपर आपने नहीं जाना। अब इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको डेली लाइफ की ये देता हूँ, गूगल मैप आप सब यूज़ करते हो, आपने गूगल मैप से आपको लोकेशन इनकेस नहीं पता तो आपने रूट सेट करना है, रूट आपका नेटवर्क के ऊपर, आप कहते हो जी मैंने यहाँ पे, उसने एग्जाम्पल दी है कि आपने ऑफिस से घर जाना है, तो ऑफिस से घर जाने के लिए आपके तीन रास्ते हैं इनकेस, उनमें से किसके ऊपर डिले कम होगा, फास्टेस्ट कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट कौन सा होगा और किसके ऊपर एक्यूरेटली आप लोग कम टाइम के ऊपर इजीली मूव कर सकते हो, आपको इजीली वो स्नैरियो पता चल जाएगा। दूसरा स्नैरियो इसने दिया है, आपने अपने घर से अपने किसी फ्रेंड के घर जाना है, आपको फ्रेंड के घर का नहीं पता, आप लोकेशन सेट करते हो, लोकेशन सेट करने पे आपको वो क्या बता देता है, जी आपके पास ये भी है ये भी है, मल्टीपल रूट्स हैं, इनमें से फास्टेस्ट ये है, ये इसके ऊपर ट्रैफिक नहीं है। और थर्ड उसने एयरपोर्ट से होटल जाना है, तो एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए जो आपके पास विदाउट डायरेक्शन अगर आप जाते हो तो विदाउट डायरेक्शन हो सकता है आप बस लाहौर के चक्कर काटते रहें, रिंग रोड भी घूमते रहें, या विद इन कंजस्टेड एरिया में फंस जाएं, तो आपने जो 15 मिनट में पहुंचना है वो हो सकता है 1 घंटा लग जाए। कहने का मतलब क्या है कि आपको फेस क्या होगा वहाँ पे, लेटेंसी, डिले, कंटेंशन, कंजेशन, ये फैक्टर फेस होंगे और इन्हीं फैक्टर्स के बिहाव पे आप जो आपका सिमेट्रिक पाथ है उस सिमेट्रिक पाथ को छोड़ के किसी ऐसे पाथ पे मूव कर जाएंगे, डेडिकेटेड पाथ को छोड़ के शेयर्ड पाथ पे मूव कर जाएंगे जिस पे ट्रैफिक हाई है, जहाँ पे यूज़र होस्ट बहुत ज़्यादा हैं और आपकी डाटा रेट कम हो जाएगा, आपकी जो वहाँ पे ट्रैवलिंग है वो स्लो हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में आप सिंपली कहोगे कि वो डाटा फॉर्मिंग जो टेक्निक है ये राउटर भी इसी तरह से परफॉर्म करता है, और राउटर के अंदर और स्विच के अंदर अगर देखें तो इन एल्गोरिदम बिहाफ पे हम ये चीज़ें फाइंड कर रहे होती हैं, जो बैकएंड पे एआई को इन्वॉल्व करते हुए डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के मैथमेटिकल एल्गोरिदम यूज़ करते हुए, डाटा स्ट्रक्चर के मैथमेटिकल एल्गोरिदम यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पे ये हायरार्की यूज़ कर रहे होते हैं, और इनके बिहाफ पे हमारे पास यहाँ पे ये राउटर डिसाइड कर रहा होता है कि मैं कौन सा पाथ यूज़ करूँगा, कौन सा पाथ निगलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट पैकेट स्विचिंग और फॉरवर्डिंग के अंदर यहाँ भी अब ये बात कर रहा है कि हमारे पास डाटा फॉरवर्डिंग के लिए सबसे पहली चीज़ होती है पोर्ट। हमारे पास डाटा फॉरवर्ड करने के लिए जिस डेस्टिनेशन पे, लाइक मैंने यहाँ से जनाब जाना है इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद जाने के लिए आपके पास दो पोर्ट्स हैं, एक पोर्ट है जीटी रोड, दूसरी पोर्ट है मोटरवे, आप किसको प्रेफर करेंगे, मोटरवे या जीटी रोड को? सो गए हैं? मोटरवे को सर। मोटरवे से जाएंगे सर। तो कहने का मतलब ये है अगर आप मोटरवे को प्रेफर करोगे तो राउटर यहाँ पे यूजिंग एल्गोरिदम क्या चेक करेगा कि भाई मेरे पास यूजिंग फैसलाबाद भी जाता है, सरगोधा के थ्रू भी जाता है, लाहौर से वाया या गुजरांवाला भी जाता है, मैं मोटरवे पे डायरेक्ट एंट्री मारता हूँ और डायरेक्ट भी पहुँच जाता हूँ, तो इट मीन्स के राउटर डिसाइड करेगा इन तीनों में से भाई मुझे तो ये चाहिए, एक तो पाथ फास्टेस्ट हो, डिले मिनिमम हो, लेटेंसी बिल्कुल ना फेस हो, और ट्रैक के ऊपर जो डिस्टेंस है वो भी कम से कम हो, और उसके ऊपर मुझे कंजेशन और कंटेंशन बिल्कुल फेस ना हो, तो इनमें से मुझे बताओ कौन सी पोर्ट है। तो वो राउटर डिसाइड करेगा यूजिंग एल्गोरिदम, भाई इसका डिस्टेंस कम से कम है और इसका शॉर्टेस्ट पाथ भी है, इसके ऊपर डिले भी कम है, कंजेशन भी नहीं है, भाई इसके ऊपर आप मूव कर जाओ। क्लियर? ये एल्गोरिदम भी आप राउटर यहाँ पे डिसाइड करता है। पोर्ट डिसाइड करने के बाद क्या फ़ायदा हुआ है कि हमारे पास डाटा फॉरवर्ड होना शुरू हो गया, और ये डाटा फॉरवर्डिंग किसने शुरू कर दी है, स्विच ने, उसको जो पाथ एलोकेट किया वो पाथ किसने एलोकेट किया है, राउटर ने। पॉइंट क्लियर? अब यहाँ पे ये पाथ एलोकेट करने के बाद ना स्विचिंग भी हमारे पास दो तरह की होती है, एक है जिसको हम लोग डाटाग्राम स्विचिंग कहते हैं और एक है जिसको हम लोग पैकेट स्विचिंग कहते हैं, ये बेसिकली पैकेट स्विचिंग की ही टाइप है डाटाग्राम स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग की दूसरी टाइप जिसको हमने नाम दिया था वीसीआई स्विचिंग या वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफाइड स्विचिंग भी उसको कहते हैं। क्लियर? अब इन दो स्विचिंग टेक्निक को भी यहाँ पे हम देखते हैं। वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफाइड स्विचिंग जो यूज़ होती है ना, ये अप्रोच हम लोग यूज़ करते हैं डेडिकेटेड पाथ के लिए, जैसे एटीएम या ऑनलाइन आपकी जितनी भी ये ई कॉमर्स साइट्स हैं उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर आपने देखा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए जितने भी एप्लीकेशन यूज़ होती हैं, जैसे इजी पैसेज
ये जैस शेयर है या फिर इस तरह से जितने भी आपकी ऐप्स हैं वो सारी आपके पास ये डेडिकेटेड लिंक के लिए यूज़ करती हैं, क्योंकि यूज़र के इंडिविजुअल क्रेडेंशियल्स होती हैं उसको सिक्योर रखने के लिए हम लोग ये स्टैटिक पाथ यूज़ करती हैं। सो सिमिलर फर्स्ट जो टाइप है इस टाइप को इसलिए हम लोग कनेक्शन लेस भी कहते हैं। कनेक्शन लेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई सेशन मेंटेन नहीं होता, हमारे पास जो डाटा आया ट्रैफिक आई हम एज इट इज़ उसको ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं। जैसे आप लोग ऑनलाइन हुए, आपने गूगल पकड़ ली, आपने यूट्यूब पकड़ ली, जिसके जो आपने होस्ट देखी उस होस्ट के ऊपर डाटा ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया, सेंड भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर? तो ऐसी ट्रांसमिशन या कन्वर्सेशन जितनी भी चल रही होती है ना वो सारी की सारी हमारे पास डेटाग्राम स्विचिंग के अंदर चल रही होती है, और इसके अंदर आपका कोई सेशन मेंटेन नहीं हो रहा होता। जबकि सर्किट स्विचिंग के अंदर मैंने नाम लिया है आपका वीपीएन का, वीलैन का, एटीएम का, एप्लीकेशंस का, इजी पैसा या एसएच या फिर ई कॉमर्स साइट्स का, तो वो आपके पास कनेक्शन ओरिएंटेड होती हैं। कैसे कनेक्शन ओरिएंटेड क्या कैसे है? वो पहले आपसे वैलिडेशन मांगेंगी, ऑथेंटिकेशन मांगेंगी, ऑथराइजेशन मांगेंगी, उसके बाद वो आपकी वैलिडिटी, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के प्रोसेस के बाद आपका सेशन मेंटेन करेंगी उस मेन ब्रांच से, उस मेन लिंक से जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हो। आपने किसी भी लिंक वन की एटीएम पे जाके ट्रांजैक्शन करनी है तो वो आपकी उस ब्रांच के साथ ट्रांजैक्शन के लिए पहले सेशन क्रिएट करेगी। आपने ई कॉमर्स साइट पे जाना है, दराज से आपने कोई शॉपिंग की है तो दराज के साथ पहले आपका सेशन मेंटेन होगा, फिर आपकी पेमेंट होगी। ऐसे ही है, आप एप्लीकेशन इजी पैसा से कन्वर्ट पे करना चाहते हो तो पहले इजी पैसा के साथ आपका एप्लीकेशन के थ्रू क्या होगा? सेशन मेंटेन। तो ये जो सेशन बेस्ड कम्युनिकेशन होती है उसको हम लोग कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन कहते हैं, और ये हमारी किस में होती है? वीसीआई, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर के अंदर। और तीसरी हमारे पास होती है सोर्स राउटिंग। सोर्स राउटिंग हमारे क्लाइंट साइड पे नहीं होती, पहली दोनों टेक्निक याद रखें क्लाइंट साइड पे होती हैं। ये जो थर्ड टेक्निक है ना सोर्स राउटिंग, ये हमेशा बैकबोन पे होती है, ये हम लोग यूज़ करते हैं डाटा सेंटर्स के अंदर एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे डाटा कम्युनिकेट करने के लिए। ये हमेशा सर्वर टू सर्वर सर्विस एलोकेट करने के लिए या सर्विस को रूट एलोकेट करने के लिए यूज़ की जाती है, और स्पेशली ये डाटा सेंटर, क्लाउड नेटवर्क्स या बैकबोन जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उनके अंदर कॉल की जाती है। पॉइंट क्लियर? सो अब ज़रा इन टेक्निक्स को भी देखते हैं साथ साथ। पहली टेक्निक ये बात कर रहे हैं जिसको हम लोग डाटाग्राम स्विचिंग का नाम दे रहे थे। अगर आप डाटाग्राम स्विचिंग को देखें तो डाटाग्राम स्विचिंग के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट्स की क्यू होती है या सीक्वेंस होता है, और यहाँ पे 100 या 1000 नंबर ऑफ पैकेट्स होती हैं या मिलियन नंबर ऑफ पैकेट्स आपके पास आ रहे होते हैं। एक लोकल जो क्लाइंट है ना उसके पास आप थाउजेंड्स में पैकेट्स आ रही होती हैं, और हर पैकेट कोई ना कोई इंफॉर्मेशन रखता है, लेकिन हर पैकेट का अपना डाटाग्राम नंबर लगा होता है। वो डाटाग्राम नंबर उसको कहाँ से लगता है? जिस जिस राउटर से वो पास होके आ रहा होता है ना, हर राउटर अपने क्यू के अकॉर्डिंग, अपने इंटरफेस के अकॉर्डिंग उसको वो नंबर एलोकेट कर रहा होता है, और उस नंबर के बिहाव पे वो नंबर हमें बताता है कि वो कौन से नंबर का पैकेट है, क्योंकि हमने उसी नंबर के पैकेट को सिंक्रोनाइज करवाना होता है बाकी अदर पैकेट्स के साथ, बाकी अदर फ्रेम्स के साथ। तो हम लोग यहाँ पे फिर क्या करती हैं, हम एक लुकअप टेबल बनाती हैं जिसको हम राउटिंग टेबल का नाम देती हैं या फिर स्विच टेबल का नाम देती हैं या इसको फॉरवर्डिंग टेबल भी कहती हैं। डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट नेम से इसको कॉल किया जाता है। अगर नेटवर्क लेयर पे हो तो राउटिंग टेबल कहा जाता है, यही डाटा लिंक लेयर पे हो स्विच के अंदर तो इसको स्विच टेबल कहा जाता है, और यही हम एक राउटर की कॉन्फिग्रेशन कंसोल के अंदर देख रहे हो तो हम इसको लुकअप टेबल भी कहते हैं। क्लियर? सो ये टेबल जो है ये बेसिकली उन सीक्वेंस नंबर्स को ट्रांसलेट कर रहा होता है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। वो जो एक फॉर्मेट है वो कौन सा है? वो जो क्यू से या बफर से इसको मिल रहा है। दूसरा फॉर्मेट कौन सा है? जो उसका ओरिजिनल फॉर्मेट है। लाइक मैं कहता हूँ मेरा फ्रेम नंबर 1 से 5 तक आपने भेजा है, 1 2 3 4 5, 5 फ्रेम आपने भेजे हैं, पांचों फ्रेम 5 डिफरेंट रूट से होते हुए मेरे घर तक पहुंचे हैं। क्लियर? अब वो 5 डिफरेंट रूट से जो आए हैं तो 5 डिफरेंट इंटरफेस से हर एक ने क्यू के अकॉर्डिंग अपना नंबर अपडेट किया। एक का नंबर मुझे मिला है 17, एक का मिला है 21, एक का मिला है 31, एक का मिला है 2, एक का मिला है 9। तो अब मुझे बताओ उसको वापस सिंक्रोनाइज करने के लिए, वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में लाने के लिए जो उसके ऊपर क्यू ने हेडर लगाया है उस हेडर को उतार के राउटिंग टेबल क्या करेगा, फॉरवर्डिंग टेबल क्या करेगा? उसको ट्रांसलेट करेगा ओरिजिनल एड्रेस के ऊपर। जब वो ओरिजिनल एड्रेस सीरियल एड्रेस पे आएंगे तो हम उसको सिंक्रोनाइज करके डाटा को रिट्रीव कर लेंगे। पॉइंट क्लियर? ये काम हमारे पास डाटाग्राम स्विचिंग के अंदर हो रहा होता है, इसीलिए हम लोग इसको कनेक्शन लेस मॉडल कहते हैं या कनेक्शन लेस राउटिंग भी कहते हैं। और इसमें कोई सेटअप फेज नहीं होता, कोई कनेक्शन हम नहीं बनाते, कोई सेशन एलोकेट नहीं होता। यहाँ पे सिंपल
पोस्टल ऑर्डर वाली हायरार्की यूज होती है, जैसे पोस्ट ऑफिस काम कर रहा है ना, हमारे पास एक मैसेज, आपने एक लेटर टाइप किया, लेटर टाइप करने के बाद लोकल पोस्ट ऑफिस में दे दिया, लोकल पोस्ट ऑफिस जनाब आपके नेशनल पोस्ट ऑफिस में दे देगा, लाहौर का पोस्ट ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद भेजना है तो इस्लामाबाद भेज देगा, रात को इस्लामाबाद वाली जो सिटी पोस्ट ऑफिस है वो लोकल पोस्ट ऑफिस में भेज देंगे, लोकल पोस्ट ऑफिस वाले उठा के अपने बंदे को देंगे और बंदा जाके उसके घर में पोस्ट हैंड ओवर कर देगा। तो अब वहाँ पे हायरार्की क्या है, कोई सेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, आपने लेटर भेजा, बस ये है कि एक दो दिन तीन दिन पाँच दिन तक वो रिसीव हो जाएगा, लेकिन नेटवर्क फास्ट है सो इसलिए ये फास्टेस्ट ट्रैफिक को मूव करते हुए विद इन मिली सेकेंड कम्युनिकेट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो एनालॉग स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमारे पास पोस्टल हायरार्की है, पोस्टल ऑर्डर है, पॉइंट क्लियर। अब इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे उसने यूज करके दिखाया, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास इस राउटिंग प्रोटोकॉल के अंडर उसने पोर्ट नंबर बताई हुई है, इंटरफेस बताए हुए हैं, हर इंटरफेस आपको अपना डेस्टिनेशन बता रहा है। लाइक अगर ए है, ए किस पोर्ट नंबर के ऊपर कनेक्टेड है, टू पे, बी जो है बी होस्ट किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, वन के ऊपर, ये वन कौन सा है, ए से अगर डाटा बी पे मूव कर रही हैं तो ए से डाटा मूव होते हुए टू से निकलेगा और वन से स्विच की पोर्ट वन से कम्युनिकेट होगा, और सी आगे फर्दर मेरे पास आता है यहाँ पे लोकल, तो सी पे डाटा कम्युनिकेट करने के लिए लोकल पोर्ट स्विच की क्या है, थ्री, डी पे कम्युनिकेट करने के लिए लोकल पोर्ट क्या है, जीरो, और ई पे डाटा भेजना है तो फर्दर मेरे पास पोर्ट क्या आएगी, अगेन वन। अगर मैंने लोकल कम्युनिकेट करना है स्विच के थ्रू सी डी के ऊपर तो इनकी लोकल पोर्ट यूज होगी थ्री और जीरो, अगर मैंने ई एफ बी जी एच पे डाटा कम्युनिकेट करना है तो याद रखें इस स्विच की जो एक्सटर्नल पोर्ट है वो कौन सी है इस वक्त, वन, जो रेड हाईलाइटेड है, तो बी और ई की देखें इसलिए सेम पोर्ट आ रही है, इसको हम लोग पोर्ट नंबर वन डिक्लेयर कर रहे हैं, पॉइंट क्लियर। अगर इस स्विच से एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होनी है तो हमारे हमारे पास एक ही पोर्ट होगी, अगर लोकल कम्युनिकेशन होनी है तो हमारे पास डिफरेंट पोर्ट्स होंगी, ये बात समझ आई है। नेक्स्ट, डेटाग्राम स्विचिंग, डेटाग्राम स्विचिंग के अंदर यहाँ पे फर्दर ये बात कर रहा है, जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा सा सिमिलर है। अच्छा, यहाँ से ई से सी पे आपने डाटा भेजना है तो ई से सी पे भेजने के लिए मुझे बताएं, ई मेरे पास स्विच टू के अंडर आ रहा है और सी मेरे पास स्विच वन के अंडर आ रहा है, तो पोर्ट दोनों के दरमियान कौन सी यूज होंगी बताएं, टू से थ्री पे डाटा आएगा और थ्री पोर्ट वन पे भेजेगी और वन पोर्ट सी की पोर्ट थ्री अगेन स्विच वन की, स्विच वन पे डाटा आएगा। ऐसे ही बी से ए पे भेजना है तो बी टू ए भेजने के लिए बी स्विच थ्री पे कनेक्टेड है, ए स्विच वन पे कनेक्टेड है, तो बी क्या करेगा, पोर्ट थ्री से पोर्ट जीरो पे भेजेगा, पोर्ट जीरो से स्विच टू रिसीव करेगा और थ्री पे भेजेगा, और स्विच वन जो है वो वन से रिसीव करके टू से हैंड ओवर करेगा ए को। ऐसे ही सी टू एफ है, यूजिंग एफ हम लोग डाटा भेजते हैं, सी से एफ के लिए किस तरह से मूव करोगे, सी स्विच वन के अंडर है, एफ स्विच टू के अंडर है, सो ये रेड पाथ को यूज़ करेगा। डी टू बी, डी टू बी के लिए मेरे पास स्विच वन से स्विच थ्री पे डाटा कम्युनिकेट होगा, ए से के, अब के का देखें कोई इंटरफेस ही नहीं है, के मेरे पास किसी स्विच के साथ होस्ट है ही नहीं, तो ए जब भी होस्ट डाटा भेजेगी तो वो क्या करेगी, सबसे पहले उसको देखेगी कि मेरे पास अगर तो ये किसी नोड के साथ कनेक्टेड है किसी स्विच के साथ, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर ये यहाँ पे डाटा सेंड करने की बजाय इसको लोकल लूप के अंदर ही चलाती रहेगी, क्लियर, और वो लोकल लूप के ऊपर ही टर्मिनेट कर देगी और कहेगी कि मेरे पास इस तरह का कोई एड्रेस यहाँ पे शो नहीं हुआ और ये डाटा फर्दर पास आउट नहीं होगा। अच्छा, लास्ट मिनट चल रहा है, मैं मीटिंग यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, सो काइंडली रीजॉइन कर लें, क्लियर।